सो हेलो गाइज़ वेलकम टू माई चैनल मेरा नाम है मानस पर तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एन टी के सोल्यूशन वो भी क्लास सेवन के चैप्टर वन एन तो चलो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वन पे बढ़ते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के तो सबसे पहले क्वेश्चन है फॉलोइंग नंबर इज लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे तो यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर लाइन होती है मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि बताया था राइट right साइड में पॉजिटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव अब यहाँ पर जो एरोज दे रखे हैं इधर हमको बताना है कि क्या टेम्परेचर है ये हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पर करते हैं तो चलो आते हैं ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसिस मार्क डॉन इट अब यहाँ पर जो अलग अलग प्लेसिस के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर लाहौल स्पिति श्रीनगर शिमला ऊटी बेंगलुरु अब इनके हमको टेम्परेचर लिखने कितने बता रखे इसमें तो लेफ्ट साइड में निगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव अब यहाँ पर जैसे कि इधर आ जाएगा तो हम क्या करते हैं पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं अब ये ज़ीरो है अब ज़ीरो के इधर पॉजिटिव में प्लस में जाता रहेगा तो यह फाइव आ रहा है अब यह फाइव दिख रहा है तो भी इधर एक बार लिख देता हूँ फाइव डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पर ऊटी ऊटी में यहाँ पे ये इलेवन आ गया ये ट्वेल्व आ गया ये थर्टीन आ गया और ये ऊटी यहाँ पर आ गया फोटीन डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पे बेंगलुरु बेंगलुरु के यहाँ पे ये ट्वेंटी वन आ गया ये वाला तो ये बेंगलुरु हो गया ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पे ये आंसर आ गया अब नेगेटिव में जाएंगे अब नेगेटिव में जाएंगे तो वे श्रीनगर के यहाँ पे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे होगा माइनस वन और ये श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा माइनस टू डिग्री सेल्सियस अब लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति में क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस फाइव है तो यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स माइनस सेवन और यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आ जाए जाएगा माइनस एट डिग्री सेल्सियस तो ये था ये ए पार्ट अब नेक्स्ट बी पार्ट पे चलते हैं अब नेक्स्ट बी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव तो हॉटेस्ट प्लेस क्या होगी जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव के राइट right साइड में होगी पॉजिटिव के सबसे ज़्यादा राइट right साइड में बेंगलुरु और बैंगलुरु में आ, आपको बताया था ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस है तो ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस और ये जो कोल्डेस्ट है ये माइनस एट बताया था मैंने आपको तो माइनस एट डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर भी लिखता हैं हॉटेस्ट को एच लिखेंगे एच इक्वल्स टू ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कोल्डेस्ट इक्वल्स टू माइनस एट डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पे हमको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस एट डिग्री सेल्सियस अब इनको ब्रैकेट में ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस प्लस एट डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर आ जाएगा थर्टी डिग्री सेल्सियस आंसर तो अब नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर माइनस एट डिग्री सेल्सियस है हमको पता है माइनस एट डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर श्रीनगर का है टेम्परेचर माइनस टू डिग्री आ जाएगा माइनस वन तो श्रीनगर का आ जाएगा माइनस टू डिग्री सेल्सियस तो आप लिख देते हैं लाहौल स्पीति का माइनस एट डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का श्रीनगर इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस टू डिग्री सेल्सियस अब इनको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पर हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करते हैं माइनस टू डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस एट डिग्री सेल्सियस ये ब्रैकेट में आ जाएगा अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू डिग्री सेल्सियस प्लस एट डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे आ जाएगा डिग्री सेल्सियस आंसर तो हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं सो so, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ़ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम ऐड करते हैं तो फिर वो क्या श्रीनगर और शिमला के इंडिविजुअली टेम्परेचर से कम होगा या नहीं होगा यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अब श्रीनगर है है और शिमला का टेम्परेचर है यहाँ पे माइनस टू डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे शिमला का है फाइव डिग्री सेल्सियस अब इनको हमको ऐड करना है तो ऐड करेंगे फाइव डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस टू डिग्री सेल्सियस ये आएगा ब्रैकेट में तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव डिग्री सेल्सियस माइनस टू डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर आएगा थ्री डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पे क्या करेंगे इनको कंपेयर करेंगे श्रीनगर और शिमला के इंडिविजुअली टेम्परेचर से तो यहाँ पे जाएगा थ्री डिग्री सेल्सियस अब ये अगर हम श्रीनगर का टेम्परेचर लेते हैं तो श्रीनगर का आएगा माइनस टू डिग्री अब हम माइनस टू डिग्री से तो बड़ा ही होगा माइनस टू डिग्री सेल्सियस तो ये लेस देन है तो यहाँ पे श्रीनगर का नो आ जाएगा क्योंकि जो कंबाइंड वाला है थ्री डिग्री वो वो इससे बड़ा है छोटा होना चाहिए था और यहाँ पे शिमला अब शिमला का क्या टेम्परेचर है माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस अब फाइव डिग्री सेल्सियस में क्या होगा थ्री डिग्री सेल्सियस अब ये बड़ा हो जाएगा फाइव डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर यस आ जाएगा शिमला पर यस सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स गिवन फॉर इन करेक्ट इफ जैक स्कोर फाइव राउंडी फाइव माइनस फाइव माइनस टेन फिफ्टीन एंड टेन व्हाट वॉज इज टोटल एट द एंड तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस सबको एड कर देंगे और टोटल आ जाएगा तो ईजी है ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस टेन अब यहाँ पे जो साइन है उनको सिंप्लीफाई कर देंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे करेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव माइनस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस टेन तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव कर देते हैं अब यहाँ पे इन सबको कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस टेन अब यहाँ पे आएगा टेन प्लस फिफ्टीन प्लस टेन यहाँ पे आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस टेन यहाँ पे आएगा थर्टी फाइव इसका आंसर सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन थ्री एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाय टू डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन टूजडे ऑन वेस्डे इट रोज बाय फोर डिग्री सेल्सियस वट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे तो इसमें हुआ क्या श्रीनगर को मंडे में टेम्परेचर माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस था तो उसके बाद वो ड्रॉप हो गया टू डिग्री सेल्सियस से ट्यूजडे को उसके बाद वो बढ़ गया फोर डिग्री सेल्सियस से वेनसडे को मंडे का टेम्परेचर यहाँ पे आएगा माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मंडे इक्वल्स टू माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे ट्यूसडे का जाएगा? 5 Celsius, minus, minus minus 5, minus आ जाएगा माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस टू डिग्री सेल्सियस, अब यह माइनस फाइव माइनस टू डिग्री सेल्सियस आ जाएगा माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ये इक्वल्स टू माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पे वेडनेस डे का टेम्परेचर क्या हो रहा है फोर uh, डिग्री बढ़ रहा है वेडनेस डे वेडनेस डे का टेम्परेचर होगा माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस प्लस फोर डिग्री सेल्सियस अब ये कितना आ जाएगा माइनस सेवन प्लस फोर माइनस सेवन प्लस फोर होता है माइनस थ्री तो आप आ जाएगा माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सो so, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग ट्वेल्व हंड्रेड मीटर बिलो द सी लेवल वॉट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दम अब इसमें क्या करेंगे ये जो है ये जीरो है अब ये है फाइव थाउजेंड हो गई इसकी हाइट और ये हो गई माइनस ट्वेल्व हंड्रेड ले लेंगे हम इसको ठीक है अगर हमने इसको माइनस ट्वेल्व हंड्रेड ले लिया है फिर हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे क्योंकि हमको बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इसका डिफरेंस ही फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा अब जो प्लेन उड़ रहा है वो फाइव थाउजेंड मीटर ऊपर उड़ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू यहाँ पे फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड मीटर माइनस माइनस ट्वेल्व हंड्रेड मीटर तो यहाँ पर क्या होगा इनको ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 5000 थाउजेंड प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व हो जाएगा 6200 अब 6200 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा 6200 मीटर हमारा आंसर थैंक यू फॉर वाचिंग और ये थे क्वेश्चन वन टू फोर अब इनके बाद के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा स्टेड यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय